विशाल है ये, है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये, विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, बोले बिहार बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें। शांति बनाए रखिए, मंच खाली करिए, आप तमाम साथियों से निवेदन कि मंच को खाली करिए। कोई नहीं घोषित अभी तो है उम्मीदवार, चलिए चलो सर बैठ बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए बैठ जाइए। सराय रंजन की जनता को आदाब प्रणाम सलाम हम करने आए, आप लोग जानते हैं कि कम समय है, आप लोग अब चुप रहो जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ कम समय है, ज्यादा से ज्यादा जगह हमको जाना है, अब चार दिन का, इसके बाद 3 दिन का प्रचार बचेगा, लगभग 70 से ज्यादा जगह हमको विधानसभा पहुंचना है। अभी रख दो यार, क्या कर रहे हो आप, अब बैठ जाइए ना बैठ जाइए, अभी बोल रहे हैं तो बीच में घुस रहे हैं, बैठ जाइए, क्यों हार बना रहे हैं, बाद में होगा पहले बैठ। देखिए यहां से हमारे उम्मीदवार अरविंद सहनी जी को बनाया गया, और अब ज्यादा पकाओ और थकाओ भाषण नहीं देंगे, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। सराय रंजन में क्या काम हुआ है आप लोग अच्छे से जानते हैं, यहां डबल इंजन की सरकार बिहार से दिल्ली, अभी भी देखिए तादाद में लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई, लोगों का पैसा बाहर जा रहा है, उसलिए आप सब लोग से हम अपील करने आए हैं कि हमारे जो उम्मीदवार अरविंद साहनी जी हैं उनको एक एक वोट देकर के आप लोग जिताने का काम की। यहां कितनी संख्या नौजवानों की, जरा बेरोजगारों का हाथ उठा करके बताना, तो ये नीतीश जी को मोदी जी को नजर नहीं आता, माता पिता बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपना पेट काट के पढ़ाते हैं ताकि बुढ़ापा में सहारा बन पाए, नौकरी लगेगा, डिग्री होगा, कितना खर्चा होता है, आजकल डिग्री भी जिसके पास है उसको भी रोजगार नहीं मिल पाता, नौकरी नहीं मिलता, तो इसलिए कारखाना एक भी नहीं लगा, कितना यहां पेपर मिल, जूट मिल, शुगर मिल बिहार का बंद हो गया जो चालू नहीं करा पा, क्या काम हुआ, महंगा